हेलो स्टूडेंट, आई एम योर एसएसटी टीचर सोनाली श्रीवास्तव। टुडे आई विल टीच यू लेसन सेकंड, मैप्स आवर गाइड्स। आवर अर्थ इज़ अ वास्ट प्लैनेट एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल डैट वी वुड लाइक टू सी एंड नो अबाउट एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमारा प्लैनेट क्या है? हमारा बहुत बड़ा प्लैनेट है। तो ये क्या है? बहुत ही सुंदर प्लैनेट है। डैट वी वुड लाइक टू सी, ठीक है, तो क्या हम लोग देखना चाहते हैं? नो अबाउट एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग उसके हर एक पार्ट के बारे में देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। अ ग्लोब, ग्लोब क्या है? यूजफुल है व्हेन वी वांट टू स्टडी, जब हम पृथ्वी के बारे में पूरा पढ़ना चाहते, पूरी पृथ्वी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो क्या है? ग्लोब यूजफुल है। बट लेकिन व्हेन वी वांट टू स्टडी अबाउट ओनली स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक पार्ट के बारे में अगर अर्थ के पढ़ना चाहते हैं, तो अर्थ एज आवर कंट्री, जैसे हमारी कंट्री हुई, हमारा स्टेट हुआ, हमारे टाउन्स हुए, आवर टाउन, इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प, ठीक है, तो क्या है? हेल्प करता है। इन सच ए सिचुएशन वी यूज़ मैप, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? हम मैप का यूज़ करते हैं। A map is a drawing of the earth surface or a part of it on a flat surface according to a scale. ठीक है, तो मैप क्या है? किसकी ड्राइंग है? अर्थ की ड्राइंग है एक फ्लैट सरफेस पे। पैमानों के अनुसार अर्थ क्या है? मैप क्या है? एक अर्थ की ड्राइंग है। इट कैन बी फोल्डेड, ठीक है, तो आप इसको मोड़ भी सकते हो, पुट इन टू पॉकेट एंड इज ईजी टू कैरी, और इसको आराम से आप उठा के इधर से उधर ले भी जा सकते हैं। मैप्स गिव अस मोर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू अ ग्लोब। मैप हमें मोर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यानी उसकी विस्तृत इंफॉर्मेशन देता है किसी भी शहर के बारे में, किसी भी कंट्री के बारे में या किसी भी टाउन के बारे में, हमको ज़रा विस्तृत जानकारी देता है ग्लोब की अपेक्षा। इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी इनलार्ज्ड एंड शोन ऑन अ मैप, ठीक है, यहाँ तक कि हम लोग क्या छोटे एरियाज़ को भी बड़ा करके मैप में देख सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप अवेलेबल, यहाँ पे क्या है? कई तरह के मैप अवेलेबल हैं। पहला क्या है? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप्स विच डिपिक्ट फिजिकल फीचर्स लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस एक्सेट्रा, ठीक है, तो फिजिकल मैप क्या लिए हुए हैं? फिजिकल फीचर्स किसके? माउंटेन्स के, जैसे पर्वतों के, प्लेट्यूज, पठार के, प्लेन्स के और रिवर्स के और ओशन महासागरों के। पॉलिटिकल मैप, अब पॉलिटिकल मैप में क्या है? विच शोज द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड स्टेट विद देयर बाउंड्रीज, ठीक है, पॉलिटिकल मैप में आप क्या कर सकते हैं? किसी भी कंट्री की या किसी भी स्टेट की आप क्या कर सकते हैं? बाउंड्री देख सकते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। थर्ड इज थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप्स विच फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रेनफॉल, वेजिटेशन एक्सेट्रा, ठीक है, थीमेटिक मैप क्या है? उसमें आप किसी भी जगह की रेनफॉल इंफॉर्मेशन, कि वहाँ कितनी रेनफॉल होती है, वहाँ वेजिटेशन क्या है यानी वहाँ पे क्या उगता है, ठीक है, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। सुटेबल टाइटल्स आर गिवेन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन दिस मैप, ठीक है, तो मैप के ऊपर उसका सुटेबल जिस बारे में होगा, चाहे वो रेनफॉल के बारे में होगा, चाहे वेजिटेशन के बारे में होगा, तो टाइटल ऊपर दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप मैप को पढ़ सकोगे। मैप कैन बी बाउंड टुगेदर इन अ बुक। मैप क्या है? किसी बुक में एक साथ बांधा जाता है, उसको क्या कहते हैं? कार्ड एटलस, उसको एटलस कहते हैं। हाउएवर मैप्स हैव देयर ओन लिमिटेशन, ठीक है, जब भी आप जानते हैं कि मैप के पास क्या है? अपनी खुद लिमिटेशन होती है, यानी लिमिटेशन क्या है? अब आप ये आगे देखिए, सिंस द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कर्व्ड, तो आप जानते हैं कि ये जो अर्थ का सर्फेस है वो कर्व्ड है यानी वक्राकार का है। इट कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली, आप इसको एक्यूरेटली शो नहीं कर सकते ऑन अ फ्लैट सर्फेस लाइक अ पेपर, पेपर के थ्रू आप इसको एक्यूरेटली शो नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज ऑफ मैप्स। मैप्स आर वेरी हैंडी, ठीक है, मैप्स क्या है? वेरी हैंडी होते हैं एंड टू कैरी, हैंडी टू कैरी एंड दे हेल्प इन लर्निंग अबाउट द अर्थ, तो बहुत हैंडी होते हैं, आप आराम से इसको उठा के इधर से उधर ले जा सकते हो और आप अर्थ के बारे में पूरी जानकारी उससे प्राप्त कर सकते हो। टू रीड अ मैप करेक्टली एंड एक्यूरेटली इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मैप ऑफ अ मैप, ठीक है, तो रीड किसी भी मैप को रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए करेक्टली एक्यूरेटली आप क्या करोगे? आपको ये जानना जरूरी है, उसकी लैंग्वेज के बारे में जानना बिल्कुल ज़रूरी है। एवरी मैप हैज़ कलर्स,
ठीक है। हर मैप के पास क्या है, अपना कलर्स होता है, डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शन दिशाएं होती हैं, साइन सिंबल और स्केल, ठीक है, कुछ पैमाने होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ मैप। फर्स्ट क्या है, डायरेक्शन। देर आर फोर मेजर डायरेक्शन विच हैव बीन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फोर मेजर डायरेक्शन, ये आपको पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। तो ये मेजर डायरेक्शन है जो आपको पता है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड यानी सब एक्सेप्टेड है, यानी सब इसको मानते हैं। दे आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ द सेम सिस्टम ऑफ डायरेक्शन, पूरी दुनिया में लोग इसी डायरेक्शन को अपनाते हैं और मानते हैं। ऑल मैप्स फॉलो द सेम सिस्टम ऑफ शोइंग डायरेक्शन, ठीक है। सारे मैप क्या है, इसी डायरेक्शन को जो सिस्टम है उसी को शो करते हैं। द टॉप डायरेक्शन इज़ द नॉर्थ, तो क्या है, टॉप में क्या है, नॉर्थ है। साउथ इज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, उसके अपोजिट क्या है, नीचे, नीचे क्या है, साउथ। टू आवर राइट इज द ईस्ट एंड आवर लेफ्ट इज द वेस्ट, ठीक है। राइट में क्या है, ईस्ट है, और वेस्ट में, अरे लेफ्ट में क्या है, वेस्ट है। सब डायरेक्शंस। वंस यू हैव ग्रैस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे डायरेक्शन का, तो इट इज़ ईजी टू फाइंड द सब डायरेक्शन, ठीक है। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन को समझने में। आगे आप देखिए, ये मैप है, ये क्या है, फिजिकल डिवीज़न यानी फिजिकल मैप। तो इस फिजिकल मैप में क्या आपको बताया गया है कि आपको ओशंस दिखेंगे, माउंटेंस दिखेंगे, रिवर्स दिखेंगे, ठीक है, तो प्लेट्यूज दिखेंगे। अब ये देखिए, इसकी लैंग्वेज देखिए, जो माउंटेन्स ब्राउन कलर में देखिए, जहाँ पे ब्राउन कलर वहाँ पे माउंटेन है। येलो कलर में क्या है, डिजर्ट है। प्लेन क्या है, लाइट ग्रीन कलर में जो है पेंट है, प्लेन है सॉरी। और प्लेट्यूज क्या है, पिंक कलर में। नेक्स्ट इज, ये क्या है, ये पॉलिटिकल मैप है। दिस इज पॉलिटिकल मैप। क्यों पॉलिटिकल है, आपको ये पता है कि जहाँ पे बाउंड्रीज दिखती हैं किसी भी स्टेट की या किसी भी कंट्री की, तो वो क्या होता है, वो मैप क्या कहलाता है, पॉलिटिकल मैप। आप इसमें देखो, दिया है नीचे रेफरेंस में कि बाउंड्रीज क्या है, स्टेट बाउंड्री क्या है, और अगर कंट्री की कैपिटल है तो ब्लू कलर में है। कंट्री कैपिटल देखिए दिल्ली है, तो दिल्ली में आप देखिए कि वो ब्लू कलर में होगा, और बाकी रेड स्टेट कैपिटल है तो वो रेड रेड कलर जहाँ पे हो तो वो उसका कैपिटल है। अब ये क्या, एनुअल रेनफॉल, ये थीमेटिक मैप, ये रेनफॉल की मैप है, ठीक है। तो कहाँ पे एनुअल रेनफॉल कितने सेंटीमीटर होती है, तो वहाँ पे ये देखा है, अबव 400, तो जहाँ पे डार्क ब्लू है वहाँ पे क्या है, वहाँ 400 है। उसके नीचे लाइट ग्रीन में है तो 200, 1/2 to 400, तो वहाँ पे ऐसे करके नीचे बिल्कुल क्या है, बिलो 20, तो जहाँ पे 20 से भी कम बारिश होती है वहाँ पे देखिए येलो कलर के बनेंगे। नॉर्थ एंड ईस्ट लाइज द सब डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट क्या है, सब लाइक कहाँ आते हैं, सब डायरेक्शन में आते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट। इन द सेम वे बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट लाइज द नॉर्थ वेस्ट ज़ोन, उसी तरह क्या है, नॉर्थ और वेस्ट में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट कहलाते हैं, के बीच में जो डायरेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ वेस्ट। देर आर फोर मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये फोर मेजर सब डायरेक्शन कौन कौन से हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट।